आदि पुरुष फिल्म के टीजर को लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया। उसके हर एक सीन पे वीएफएक्स पे मीम्स बन गए थे। लेकिन हमारे डायरेक्टर ओम राउत भाई कहां मानने वाले थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस फिल्म को लोगों के आंखों तक पहुंचा के रहूंगा। और फिर से शुरू हुआ फिल्म के वीएफएक्स का काम। और अब ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिल्म जो वो रिलीज हो रही है 16 जून को। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म का एक छोटा सा पोस्टर आज रामनवमी के अवसर पे रिलीज किया गया, जहाँ पे हमें फिल्म के पोस्टर में चारों कैरेक्टर्स दिखाए गए। अब यहाँ पे मैं उन्हें कैरेक्टर ही कहूंगा, ना कि भगवान श्री राम, ना कि माता सीता, और ना ही लक्ष्मण, और ना ही बजरंगबली। वो पोस्टर देखने के बाद मुझे किसी भी तरीके का फीलिंग नहीं आया कि मैं श्री राम प्रभु का चेहरा देख रहा हूँ, तो वो फीलिंग मुझे इस पोस्टर से बिल्कुल भी नहीं आई। इसलिए मैं इसे एक फिल्म का एक पोस्टर कहूंगा। जिस तरीके से हमें आज भी रामानंद सागर जी के रामायण का पोस्टर देखने के बाद लगता है कि हाँ यही श्री राम प्रभु जैसे है, वैसे ये पोस्टर देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगा। एनीवेज दोस्तों, हम यहाँ पे आदि पुरुष फिल्म को ट्रोल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। हम बात करने वाले इस फिल्म के फ्यूचर के बारे में। 16 जून को ये फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म का फ्यूचर क्या होगा? क्या ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अपना झंडा गाड़ने के लिए कामयाब होगी? इसी बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम कुछ टाइम पीछे चलते हैं, जहाँ पे ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों ब्रह्मास्त्र फिल्म जैसे रिलीज हो गई, उसके ऊपर काफी ट्रोल किया गया। फिल्म का वीएफएक्स अच्छा नहीं है, फिल्म की कहानी अच्छी नहीं है, फिल्म के एक्ट्रेस की एक्टिंग अच्छी नहीं है। हर तरह से ब्रह्मास्त्र फिल्म को जो वो ट्रोल किया गया, लेकिन फिर भी फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस किया। अब उसके पीछे बिजनेस करने का रीजन क्या था? रीजन यही ट्रोलिंग था। यानी कि फिल्म को जितना ट्रोल किया गया, उतना ही फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता गया। यानी कि आप ये कहिए कि आज के टाइम में किसी भी फिल्म को अगर सक्सेस करना है तो उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दो, वो फिल्म अपने आप सक्सेस हो जाएगी। अब ब्रह्मास्त्र फिल्म को जो वो वीएफएक्स की वजह से, उसके पुअर एक्टिंग की वजह से और पुअर कहानी की वजह से उसे ट्रोल किया गया, लेकिन अपने आप ही लोगों को अगर बता दिया जाए कि ये चीज बुरी है, तो लोग वो चीज देखने के लिए जाएंगे कि वो चीज कितनी बुरी है। बाहर वाले जो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज बुरी है, तो वो कितनी बुरी है ये खुद कंफर्म करने के लिए वो जाएंगे। और बस उसी वजह से फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो वो बढ़ता गया। ठीक उसी तरह से पठान फिल्म का भी ऐसे हुआ। पठान फिल्म को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। फायदा क्या निकला? पठान आज 1000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया। अब उसी तरह से आदि पुरुष फिल्म को तो बहुत पहले से ट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ फिल्म का टीजर ही नहीं, बल्कि फिल्म का पोस्टर भी आता है तो भी उसको ट्रोल किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे फिल्म देखने के लिए लोग जाएंगे, वो कहेंगे कि फिल्म का वीएफएक्स अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो पब्लिक यही देखने के लिए थिएटर जाएगी कि भाई क्या अच्छा नहीं है। तो उसी तरह से ये फिल्म भी जो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, ये अभी मेरा वर्ड लिख के ले लो। पहली बात तो आदि पुरुष फिल्म की अच्छी खासी हवा हो चुकी है, क्योंकि फिल्म के टीजर ने अच्छा खासा ऑडियंस का अटेंशन ले लिया था। अब यहाँ पे आदि पुरुष के डायरेक्टर ने कहा कि हमने वीएफएक्स में बहुत से चेंजेस किए, तो वो क्या चेंजेस किए ये देखने के लिए भी पब्लिक जाएगी थिएटर। अब यहाँ पे ऑडियंस को थिएटर में लाना है सिर्फ, बाकी क्या है? पैसा देके तो ऑडियंस आ रही है, तो ऑब्वियसली अपना तो पैसा बनेगा इधर। यानी कि जिस चीज को जितना ज्यादा ट्रोल करोगे, उतना ज्यादा उसका प्रमोशन होगा, पब्लिक उतना ज्यादा उस फिल्म को देखने के लिए जाएगी कि भाई लोग इतना ट्रोल क्यों कर रहे, क्या ये चीज कितनी खराब है, कितनी खराब है, ये देखने के लिए थिएटर जाएंगे। क्योंकि इस फिल्म के पहले से हवा चल रही है, ऊपर से फिल्म में प्रभास है, फिल्म को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, तो ये भी एक रीजन है कि ये फिल्म जो अच्छा खासा बिजनेस करेगी। मार्क टू माय वर्ड गाइस। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष फिल्म जो अच्छे खासे चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर मैंने जो कहा उस पर आपका क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।